गाइस, ये है वो लेटर जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है और आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ इसको शेयर नहीं किया है। Happy birthday, boy. Come in. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे विशाल। अरे दादी बोल रही है, जब सोया हुआ था मैं तभी वो आई, मेरे माथे पे हाथ वाथ रख के गई है। Happy birthday to you, papa. बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, दे दो भाभी कंगना, बेटा हुआ है, हुआ मांगे कंगना, बेटा हुआ है, दे दिए हैं दीदी कंगना, बेटा हुआ है, छोटा हो गया कंगना, फिर से तुम दे दो, छोटा मैं दूंगी तो फिर से मैं दूंगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है 5 दिसंबर, मेरा जन्मदिन। आज ही के दिन हम अवतरित हुए थे इस पृथ्वी पे। अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और मेरे घर पे मैं आपको दिखा दूं कि क्या माहौल है इस वक्त। देखिए, किचन में बुआ लगी हुई है, अभी दादी जस्ट उठी है, मम्मी उठी है और ये सब लोग मिल करके कुछ कुछ बना रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, क्या बना रही हो बुआ तुम आज? आलू दम बना रहे हैं, भतीजा के बर्थडे है, जन्मदिन, तो आज आलू दम पुलाव और ये सब कुछ बन रहा है। और गाइस देखिए, दादी को शुगर है फिर भी ये मीठा खा रही है, स्पॉटेड मीठा खाते हुए। नहीं माँ, और जैसी जगह वैसा काम होता है। तो आज चूंकि मेरा बर्थडे है तो सत्यनारायण भगवान का पूजा रखवाया है मम्मी ने घर पे, तो 11 बजे से पूजा शुरू होगा। अभी पापा गए हैं सारा सामान लाने के लिए मार्केट से और मैं जा रहा हूँ बाथरूम में नहाने। ये पहनना है मुझे? तो गाइस 12 बजने वाले हैं, हमारे बाबा आ चुके हैं, अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मैं अभी कपड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये पहनना है मुझे अपने पूजा के लिए, मुझे तो लग रहा है इसको पहनूंगा ये स्लिप कर जाएगा, बहुत चिकना है ये। तो ये कुछ इस तरह से मैं तैयार हो गया हूँ। गाइस देखिए, मैं पूरा एकदम भिक्षाम देही टाइप लग रहा हूँ, भिक्षाम देही ऊपर से नीचे तक के देखिए, पूरा एकदम पीला पीला कपड़ा पहनना शुरू किया था, पैंट छोड़ दिया है 74 में, तो चलते चलते रोड पर खुल जाएगी। देखिए हम यहाँ पे गिट्ठा बांध लिए हैं ताकि खुले ना। तो गाइस देखिए, ये है मेरा आज का आउटफिट, बिल्कुल इंडियन आउटफिट है ये। मुझे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बट ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा मैं। चलते चलते यहाँ आ गया हूँ और ये धागा देखिए वहाँ है। हे भगवान, बाहर आ जा भाई मेरे साथ। बाबा बोले गोपाल जी को लेके आइए नीचे से। तो नीचे गोपाल जी उठा है किनारे में, अभी बाबा बना रहे हैं पंचामृत, यही होता है असली प्रसाद, बाकी सब फल फ्रूट तो इंसान अपने लिए बनाता है। मुख सबसे यही है पंचामृत, जिसमें 5 अमृत को मिलाया जाता है। पवित्र पवित्र वास्तवस्थ स्मरी कुंडली काभ्याम शुचि। ओम ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 ओम ओम नमः नमः परमात्मने परमात्मा श्री श्री विष्णु विष्णु आज्ञा आज्ञा। कितना टाइम हो गया? 2 बज गए गाइस, 2 बज गए हैं और पूजा संपन्न हुआ, सत्यनारायण स्वामी का पूजा मेरे जन्मदिन के दिन। ये देखिए, मेरे पूरा धागा मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं इसके, तो अभी मैं इसको चेंज करता हूँ पहले। हाँ टेबल पर खड़े होगा ना खड़े। पूजा करने के बाद गाइस अब खाना खाने का टाइम आ गया है। ये है मेरा खाना आज मेरे जन्मदिन का। हाँ, अपने जन्मदिन के दिन ही इंसान सुबह के बाद सीधे दोपहर में खा रहा है, सुबह खाया ही नहीं हूँ, अब खाते हैं, बड़ी तेज भूख लग रही है। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं अभी। ये देखिए चाय मम्मी ला के दी है, मैं पापा मम्मी, देखिए पापा सामने बैठे हैं, मम्मी लेके आ रही है अपना, और हम सब मिल करके चाय पियेंगे। दादी
उधर अकेले बैठ के पीती है, इसलिए हमारे साथ नहीं पी रही। दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद मैं रूम में गया और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। तो अभी नींद खुल रही है मेरी, बर्थडे के दिन खूब मस्त सोया। गाइस देखिए, आज दादी को बुरा लग रहा था अकेले बैठ के पीने में, इसलिए मेरे पास आके बैठ गई है पीने के लिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो सोची कि क्यों ना अपने पोते के साथ बैठ के पिया जाए। क्या दादी दिया बाद में नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मेरा जन्मदिन है या तिलक। फुआ मुझे गिफ्ट देने आई है लिफाफे में। हाँ। क्या है फुआ ये? तिलक के गिफ्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने पीतांबरी भी पहना और मुझे बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है इसमें। शाम हो गया है, पैसे दे रहे हैं लोग, तो ये देखिए मैंने रखा हुआ था दादी के लिए। अभी मैं ये करूंगा कि ये पैसे दादी को दूंगा और उसके बाद दादी को बोलूंगा कि वो मुझे वापस करे। देखिए दिन चाहे कोई भी हो, मेरा जन्मदिन हो या नॉर्मल दिन हो, एक चीज जो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है शाम के टाइम पे अगर मैं बिहार में होता हूँ, वो ये है झाल मुड़ी, खास करके मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ। मैं सोचता हूँ जब भी गया में हूँ और जब तक गया में हूँ तब तक कम से कम इसका लुफ्त उठा लूँ। आज प्लान हमारा था कि सुबह में पूजा किए थे और रात को होटल जाने का प्लान था, ऐसा हम लोग सब ने बात कर लिया था। मम्मी को मैंने बोला था कि केक वगैरह सब काटेंगे रेस्टोरेंट में जाकर, बट उसके बाद जब सो के उठा शाम को तो मम्मी का, पापा का, दादी का, फूफा का, सबका पेट भरा हुआ था। सब ने कहा, उस समय 6 बज रहे थे, अभी 11 बजने वाले हैं। अब लोगों को भूख लग रही है तो देखिए पूड़ी वगैरह छान रहे हैं। और तो बेसिकली बात यह है ना, बचपन से लेके अभी तक के यही होता आया है, जब भी बर्थडे होता है ना तो सारे जितनी भी पार्टियां होती हैं सब खाना पीना सब कुछ घर में ही होता है, होटल में जाना इन लोग पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं करते। हाँ तो अब समय आ गया है, सबसे तो मैंने पैसे वसूल लिए हैं, अब दादी से लूंगा। दादी पैसा दो। वाह दादी तुम तो पूरा एकदम चक चक 500 रुपया दी है। देखो अनंत छोटू हरिओम ओमकार 500 रुपया मिला है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, मैं हूँ, पापा हैं, मम्मी हैं, एंड वी आर स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम। हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जन्मदिन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है। पीछे से पहचानो ना माँ, मम्मी का डिमांड कम नहीं होता पापा, देखते हैं। अभी मम्मी को ठग ठग के बहुत देर से मम्मी को मना मना के बर्थडे गिफ्ट के नाम पे मम्मी से मैं ठग रहा हूँ पैसा। नहीं वो फिंगरप्रिंट कह रहा है, पापा का फिंगरप्रिंट लेगा या मेरा चलो अब देखो माया मोबाइल नंबर है ना, यहाँ जाओ देखो, यहाँ मेरा नाम दिख रहा होगा। अब पिन डालो। बर्थडे गिफ्ट आ गया हमारा, इट इज एज सिंपल एज दैट। और मम्मी ने बोला ना कि ये बाद में शॉपिंग करेगी, नहीं कर पाएगी। बोलिए क्यों? मैंने पापा के मोबाइल से सिखाया है, मम्मी के मोबाइल में एक्टिवेट ही नहीं किया है मैंने। ऐसे कैसे शॉपिंग करने दूं मां तुमको, अब कैसा पैसा, मैं नहीं जानता कौन है ये। तो भाई बहुत रात हो गई है, सभी लोग अपने अपने घर में सोने गए हैं, अपने अपने रूम में आज मेरा जन्मदिन है। आप लोगों ने इतने सारे विशेस किए मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। और रिटर्न गिफ्ट में कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। आप ये समझ लीजिए कि आज मैं अपनी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें आप लोगों के सामने अनफोल्ड करने वाला हूँ जिसे मैंने आज तक कभी किसी को दिखाया नहीं और शायद मैं कभी किसी को दिखाता भी नहीं। बट उपलक्ष्य है मेरा जन्मदिन और मेरे जन्मदिन के दिन मैं आज इसको अनफोल्ड करने वाला हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ये डायरी है, देखिए बहुत पुराना है और इसके कलर और डिज़ाइन देख के आपको लग रहा होगा कि ये मेरे बचपन का है, बहुत छोटा था मैं तब का है। इसमें ये देखिए टीके का एक मैंने बना के रखा था, पेन से ऐसे ही स्केच किया था। ये डायरी कितनी पुरानी है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप डेट देखिए कितना है, 2007 की डायरी है जब मैंने इस पे ये कुछ चीज़ें लिखी थी, जिसमें सबसे पहले लिखा था कि भारत के राष्ट्रपति के पद के नाम क्या है। यू नो बचपन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये है मेरे जर्नल के 2 पेजेस जो पता नहीं मैंने कब लिखे थे और ये डायरी एक्चुअली कहाँ गई आई डोंट नो, मगर 5 दिसंबर 2011 जो यहाँ पे डेट लिखा है
और 6 दिसंबर 2011 दो हैं, एक एक पेज के अच्छे खासे नहीं, ये वाले 5 तारीख वाले में तो आगे पीछे दोनों लिखा है मैंने, और 6 तारीख में सिर्फ एक पेज लिखा है, बाकी पूरी डायरी किधर है आई हैव नो आइडिया। ये बचा के रखा है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ लिखा था मैंने, आप लोगों को बताऊंगा। और इन सब के अलावा जो मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और सच बताता हूँ ये मेरे दिल के सबसे करीब है, वो है ये चिट्ठी। पता है क्या, मुझे पूरा याद होगा, पापा आपको भी याद नहीं होगा कि ये चिट्ठी आपने मुझे भेजा था जब मैं 10th में भैया के पास गया था पढ़ने के लिए, और इस चिट्ठी को मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ एकदम यहाँ लगा के। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ डेट देखिए 2008, क्योंकि मैंने 10th 2009 में किया था, और 2008 में मैं अपने भैया के पास जाके प्रिपरेशन कर रहा था बोर्ड एग्ज़ाम का, उस समय मेरे पापा ने भेजा था, लिखा है चिरंजीवी पवन, यथोचिंत सकुशल के साथ कुशलता की कामना करता हूँ। गाइज ये सबसे पहली बार मैं आप लोग सबको बता रहा हूँ, मैंने मम्मी को भी आज तक पढ़ के नहीं सुनाया ये। सकुशल के साथ कुशलता की कामना करता हूँ, पत्र के साथ पास भेज रहा हूँ, तुम्हारा तैयारी तो अच्छा होगा ही क्योंकि भैया के पास हो, तुम्हारी उन्नति ही मेरा लक्ष्य है, मुझे पता है पापा, और उसी के रास्ते पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी उन्नति ही मेरा लक्ष्य है, ठीक से रहना, भैया को ज़्यादा तंग नहीं करना, भोजन पर भी ध्यान देना, शेष ठीक है विशेष मिलने पर, तुम्हारा पिता अनिल। तीन दस 2008 गाइज ये है वो लेटर जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, और आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ इसको शेयर नहीं किया है। 2008 आज 2021 है, 2008 का पत्र मैं आज पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, और मैं आप समझ सकते हैं इस पत्र में जो शब्द लिखे हैं, जो भावनाएं लिखी हैं, शेष ठीक है विशेष मिलने पर, तुम्हारी उन्नति की कामना करता हूँ, वही उनका लक्ष्य है, और इसको बस मैं महसूस कर सकता हूँ, बस ये मेरे बहुत करीब था। और रिटर्न गिफ्ट में, मैं बर्थडे गिफ्ट में मैं बस यही आप लोगों को दिखाना चाहता था, उसके अलावा ये भी है, तो ये सब तो कुछ ऐसा है जनरल का है, मेरा हिस्सा है, इसमें मैंने लिखा कि आज सुबह पापा चले गए, चेन्नई में था उस वक्त की बात है, मुझे सुबह में, अच्छा ये 6 दिसंबर का पढ़ रहा हूँ, 5 दिसंबर का पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है कि मेरी सुबह हुई अफजल के फ़ोन कॉल से, फिर मैं अफजल और अभिषेक भाई बैठ के बातें करने लगे, अफजल अपने पापा के पास से आज ही आया है, मतलब मैं शर्मा जाऊंगा रहने दो, इसको नहीं पढ़ूंगा, ये बहुत, मतलब आज मैं ब्लॉग बनाने लगा हूँ लेकिन पहले मैं डायरी लिखता था और कभी कभी लिखता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, मेरा जन्मदिन और ये मेरा रिटर्न गिफ्ट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आज का दिन अच्छा बनाने के लिए, इतने सारे अच्छे विशेस करने के लिए आप लोगों को मैं बस दिल से थैंक यू बोल सकता हूँ, और भगवान से कामना कर सकता हूँ कि आप लोगों का प्यार बस मेरे साथ बना रहे। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, ताकि मेरी वीडियो देखते रहिए। टाटा बाय बाय, लव लव, भारत माता की जय।